हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट के लिए आज हम पढ़ेंगे इंटर की व्यूज। पेज नंबर 29 चैप्टर नंबर 4 में वी यूज द इंटर की टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। जो हम इंटर की यूज़ करते हैं यानी अपनी इस लाइन को यानी दूसरी लाइन पे लेने के लिए, यानी अपनी कर्सर को दूसरी लाइन पे लेने के लिए, ठीक है। इसलिए वी यूज द इंटर की टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। जो हम इंटर की यूज किया जाता है ना, तो कर्सर को दूसरी लाइन पे लेने के लिए। टू टाइप बस, अगर आप बस टाइप करना हो तो आप लिख सकते हैं बस, इसके बाद एन कार, अगर इसके बाद कार लिखना है दूसरी लाइन पे, इन डिफरेंट लाइन, यानी वो क्या कह रहा है कि अगर आप पहले बस लिखेंगे फिर दूसरी लाइन पे कार लिखेंगे, तो पहले बस लिखेंगे इसके बाद इंटर करेंगे फिर आप कार लिखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ स्टेप्स पे भी आ जाइए। टाइप द नंबर की टू, प्रेस द शेप बार वंस। देखो, टाइप द नंबर की टू, प्रेस द स्पेस बार वंस। वो कह रहा है कि टाइप नंबर, अगर आपको टाइप करना है जैसे टू, ये सब कीबोर्ड के जरिए करते हैं, प्रेस द स्पेस बार वंस। टाइप द वर्ड बिक, टाइप द वर्ड बिक, प्रेस द स्पेस बार अगेन, प्रेस द स्पेस बार अगेन, यानी टाइप द वर्ड किट, टाइप द वर्ड किट, प्रेस द इंटर की, प्रेस द इंटर की टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। टाइप द नंबर की थ्री, प्रेस द स्पेस बार एंड टाइप द वर्ड लिटिल, प्रेस द स्पेस बार एंड टाइप द वर्ड रेस। चलिए हम एरो की पे आ जाइए। वी यूज द एरो की, हम एरो की, इसको एरो की कहा जाता है, जो है यहाँ पे ना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सारा एरो की है हमारा, ठीक है। तो वी यूज द एरो की टू मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। लेफ्ट एरो की, जो हम इस एरो की को यूज करते हैं ना, ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट, जैसे कि यानी एक टर्म लेफ्ट की तरह दूसरा राइट की तरह, उधर ऊपर नीचे की तरह, जो भी हम यूज करते कर्सर को इस एरो की के जरिए कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट की तरफ लेफ्ट एरो की, इन मूव द कर्सर टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरह होगा, राइट एरो की, मूव द कर्सर टू द राइट। इस अप एरो की, अप एरो की, मूव द कर्सर अप, डाउन एरो की, मूव द कर्सर डाउन। थैंक यू वेरी मच। आज के वीडियो में कितना, फिर नेक्स्ट वीडियो।